नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ई विद्या गुजराती में तमारू स्वागत छे। आजे आपणे धोरण 12 अर्थशास्त्र में गाला असाइनमेंट ना प्रश्नपत्र 4 ना सेक्शन ए अने सेक्शन बी नू सोल्यूशन करीशू। तो वीडियो ने अंत सुधी जोवानू भूलता नहीं अने बीजा तमाम विषयना पेपर सोल्यूशन मेळववा अत्यारे ज ई विद्या गुजराती ने सब्सक्राइब करी लेजो। तो चलो शुरुआत करिए आजना पेपर सोल्यूशन नी। सर्वप्रथम सेक्शन ए, सेक्शन ए में प्रथम क्वेश्चन, अर्थशास्त्र ना अभ्यास में नीचेना माथी कई टेक्नोलॉजी सौथी वधु उपयोगी छे। तो अर्थशास्त्र ना अभ्यास में जे इंटरनेट टेक्नोलॉजी छे ए सौथी वधु उपयोगी छे। आगळ जोईए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आर्थिक वृद्धिनो प्रश्न मुख्यत्वे केवा राष्ट्रोना प्रश्नो साथे संकळायेलो छे? तो जे आर्थिक वृद्धिनो प्रश्न छे ए मुख्यत्वे विकसित राष्ट्रो छे एमना प्रश्नो साथे संकळायेलो छे। त्रीजो क्वेश्चन जोईए। तो आर्थिक विकासनो साचो मापदंड कयो छे? तो जे आर्थिक विकास छे ते आर्थिक विकासनो साचो मापदंड माथादीठ आवकमो वधारो छे। एटले के व्यक्तिनी माथादीठ आवकमो वधारो थाय तो ए कोईपण देश छे एनो आर्थिक विकास थयो एवो आपणे कही शकीए। आगळ जोईए चोथो क्वेश्चन। तो के जो भावो मंद गतिए वधता होय तो तेने खाली जग्या फुगावो कहेवामो आवे छे? तो जे भावो छे ए जो मंद गतिए वधता होय तो तेने मंद फुगावो कहेवामो आवे छे। आगळ जोईए आपणे पांचमो क्वेश्चन। एक रूपियानी कागदी नोट भारतमो कोण बहार पाड़े छे? तो जे एक रूपियानी कागळनी नोट छे ए भारतनी अंदर भारत सरकारनुं नाणा खातुं एक रूपियानी नोट बहार पाड़े छे। छठो क्वेश्चन जोईए। नीचे पैकी कया प्रकारनी थापणो पर व्याज मळतुं नथी? तो जे थापणोना प्रकार छे एनी अंदर चालू खातानी जे थापणो छे एना उपर व्याज मळतुं नथी। आगळ जोईए सातमो प्रश्न। वर्ष 2013 ना अहेवाल मुजब भारतमो सौथी वधु गरीबी कया राज्यमां हती? तो वर्ष 2013 ना अहेवाल मुजब भारतमो सौथी वधु गरीबी छत्तीसगढ़ राज्यनी अंदर हती। तो हवे तमारे वीडियोना कॉमेंट बॉक्स में जणावानुं छे के भारतमां सौथी ओछी गरीबी कया राज्यमां हती 2013 ना अहेवाल मुजब। एटले के वर्ष 2013 ना अहेवाल मुजब भारतमां सौथी ओछी गरीबी कया राज्यमां हती एनो जवाब तमारे आ वीडियोना कॉमेंट बॉक्स में लखवानो छे। जोईए केटला विद्यार्थीओने आ प्रश्ननो साचो जवाब आवडे छे। आठमो प्रश्न जोईए। तो वर्ष 2014 मां विश्वना कया देशमां अपेक्षित आयुष्य सौथी वधु हतुं? तो वर्ष 2014 मां नॉर्वे नामना देशनी अंदर जे अपेक्षित आयुष्य छे ए तमाम देशो करता सौथी वधु हतुं। नवमो क्वेश्चन जोईए। तो नवी टेक्नोलॉजी ने कारणे उद्भवती बेकारी ने कया नामथी ओळखवामो आवे छे? तो जे बेकारी नवी टेक्नोलॉजी ने कारणे उद्भवे छे एवी बेकारी ने कर्षणजन्य बेकारी तरीके ओळखवामो आवे छे। दसमो प्रश्न। अर्थतंत्रमो क्यारे चक्रीय बेरोजगारी जोवा मळे छे? तो अर्थशास्त्रमां तेजी मंदी होय त्यारे अर्थतंत्रनी अंदर आपणने चक्रीय बेरोजगारी जोवा मळे छे। अग्यारमो प्रश्न जोईए। तो के वर्ष 2011 मो भारतमो दर 1000 पुरुषोए स्त्रीओनुं प्रमाण केटलुं हतुं? तो वर्ष 2011 नी अंदर भारतमो 1000 पुरुषोए स्त्रीओनुं प्रमाण 940 हतुं, ज्यारे गुजरातनी अंदर आ प्रमाण 918 हतुं। आगळ जोईए बारमो प्रश्न। तो वर्ष दरमियान देशनी भौतिक अने अभौतिक चीजोनी आयात निकासनुं मूल्य दर्शावता सरवैयाने शुं कहे छे? तो तेने व्यापार तुला कहेवामो आवे छे। आगळ जोईए तेरमो प्रश्न। नीचेनामांथी कयो उद्योग सहकारी क्षेत्रनो छे? एटले के सहकारी क्षेत्र छे। तो जे दूधनी डेरी छे
सहकारी क्षेत्र नो उद्योग छे। आगळ जोईए 14मो प्रश्न, तो वर्ष 2013-14 मां देशनी कुल निकास आवकनो केटलामो भाग उद्योग क्षेत्र मांथी प्राप्त थयो हतो। तो वर्ष 2013-14 नी अंदर जे कुल निकास आवक छे एनो बे तृतीयांशमो भाग छे ए उद्योग क्षेत्र मांथी प्राप्त थयो हतो। सेक्शन ए नो छेल्लो एटले के 15मो क्वेश्चन, कया वर्षमो आपवामो आवेली नगरनी व्याख्या उदार हती? तो 1951 ना वर्षमो जे नगरनी व्याख्या आपवामो आवी हती ए व्याख्या उदार हती। हवे जोईए आपणे सेक्शन बी नुं सोल्यूशन। सेक्शन बी मां प्रथम क्वेश्चन, स्तंभ आकृति एटले शुं? तो कोई एक आधार एटले के समय प्रदेश स्थल पर कोई चलनुं मूल्य दर्शावती आकृति एटले स्तंभ आकृति। कोई एक आधार छे ए आधार उपर कोई चलनुं जे मूल्य दर्शावती होय तो एवी आकृति ने स्तंभ आकृति कहेवाय छे। आगळ जोईए 17मो प्रश्न, विभाजित स्तंभ आकृति क्यारे दोरवामो आवे छे? तो ज्यारे एक चल विषयनी कुल माहिती अने तेना पेटा विभागनी माहिती आपवामो आवी होय त्यारे विभाजित स्तंभ आकृति दोरवामो आवे छे। एटले के कोई एक चल छे एनी कुल माहिती एटले के टोटल माहिती पण आपवामो आवेली छे, साथे साथे तेना पेटा विभागोनी जे गौण माहिती छे ए गौण माहिती पण आपवामो आवेली होय तो त्यारे तेना माटे विभाजित स्तंभ आकृति दोरवामो आवे छे। 18मो क्वेश्चन, वर्ष 2014 मां एचडीआई ना केटला देशोना अंक बहार पड्या हता? तो आ जे अंक छे ए कुल 188 देशों माटे बहार पाडवामो आव्यो हतो। 19मो प्रश्न, रिवर्स रेपो रेट एटले शुं? तो जे व्याजना दरे व्यापारी बैंको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टूंका गाळा माटे जे धिराण आपे तेने रिवर्स रेपो रेट कहेवामो आवे छे। एटले के कोई व्याजनो दर छे એ દરે જે વેપારી બેંકો છે એ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને ટૂંકા ગાળા માટે જે ધિરાણ આપે તેને રિવર્સ રેપો રેટ કહે છે। આગળ જોઈએ 20મો પ્રશ્ન, કોરનું પૂર્ણ નામ લખો। તો કોરનું પૂર્ણ નામ થશે સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ઓનલાઈન રીઅલ ટાઈમ એક્સચેન્જ। ફરીથી સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ઓનલાઈન રીઅલ ટાઈમ એક્સચેન્જ। 21મો પ્રશ્ન જોઈએ, તો સાપેક્ષ ગરીબીને માપવા માટેની કઈ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે? તો સાપેક્ષ ગરીબીને માપવા માટે આવક જૂથોની રચના, લોરેન્જ ચક્ર, ગિની ગુણોત્તર વગેરે પદ્ધતિઓ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે। 22મો પ્રશ્ન જોઈએ, મનરેગાનું પૂરું નામ લખો। તો મનરેગાનું પૂરું નામ છે મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગારી બાહેધરી ધારો। આગળ જોઈએ આપણે 23મો પ્રશ્ન, મૃત્યુદરનો અર્થ જણાવો। તો વર્ષ દરમિયાન દર 1000ની માનવ વસ્તીએ મૃત્યુ પામતા વ્યક્તિઓની સંખ્યાને મૃત્યુદર કહે છે। એટલે કે વર્ષ દરમિયાન દર 1000ની માનવ વસ્તીએ મૃત્યુ પામતા વ્યક્તિઓની સંખ્યા છે તેને મૃત્યુદર કહેવામાં આવે છે। 24મો પ્રશ્ન, ખેડે તેની જમીનના કાયદામાં શાનો સમાવેશ થાય છે? તો ખેડે તેની જમીનના કાયદામાં ખેડ સલામતી અને સાંધનો સમાવેશ થાય છે। ખેડ હક સલામતી અહીં જે ખેડવા નહીં પરંતુ ખેડ પછી હક આવશે અને પછી સલામતી આવશે। એટલે કે ખેડે તેની જમીનના કાયદામાં ખેત હક સલામતી અને સાંધનો સમાવેશ થાય છે। આગળ જોઈએ આપણે 25મો પ્રશ્ન, તો કૃષિ સુધારણા માટેની યોજનાઓ જણાવો। તો કૃષિ સુધારણા માટેની યોજનાઓ છે સામૂહિક ગ્રામ વિકાસ યોજના, પંચાયતી રાજ, સંકલિત ગ્રામ વિકાસ યોજના અને જનધન યોજના। 26મો પ્રશ્ન જોઈએ, તો ડબલ્યુટીઓનું પૂરું નામ લખો। તો ડબલ્યુટીઓનું પૂરું નામ છે વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન, ગુજરાતી થશે વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન। 27મો, આયાત અને નિકાસનું મૂલ્ય શામો મપાય છે? તો આયાત અને નિકાસનું જે મૂલ્ય છે તે યુએસએ ડોલર એટલે કે અમેરિકી ડોલરમાં માપવાય છે। 28મો પ્રશ્ન,
टचुकड़ा उद्योगों अर्थ आपो। तो जे उद्योग 25 लाख मूड़ी रोकाणनी मर्यादा में संपूर्ण श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति द्वारा चालता होय ते उद्योगों ने टचुकड़ा उद्योगों कहे छे। लेकिन एवो उद्योग के जेनी अंदर 25 लाख सुधीनु मूड़ी रोकाण छे अने ए उद्योग छे संपूर्णपणे श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति द्वारा चालतो होय तो तेने टचुकड़ा उद्योग तरीके ओळखवामां आवे छे। आगळ जोईए आपणे 29मो प्रश्न। तो जाहेर निगमनो अर्थ आपो। तो जाहेर निगम एटले जे एकमनी मालिकी केन्द्र के राज्य सरकारनी होय पण तेनु संचालन स्वतंत्र रीते निगम द्वारा थतु होय तेने जाहेर निगम कहे छे। एटले कोई एवो एकम कि जेनी मालिकी केन्द्र अथवा तो राज्य सरकारनी होय परंतु तेनु जे संचालन छे ए कोई निगम द्वारा थतु होय तो तेने जाहेर निगम तरीके ओळखवामो आवे छे। 30मो अने विभाग बी नो छेल्लो क्वेश्चन, स्थळांतरनी हकारात्मक असरो केवी होय छे? तो स्थळांतरनी हकारात्मक असरो समग्र देश माटे फायदाकारक अने विकासलक्षी होय छे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फरी मळीशुं नेक्स्ट पेपर सोल्यूशन मां।